ओम नमः शिवाय। Don't be that.
भगवान सिंगी नाद है, जब भगवान शिव ने उस समय बजाई, सिंगी भगवान समाधि में है, इस दुनिया के विपदाओं को हरने वाला है, देवादि देव है, महादेव है, और मुझे लगता है कि आज तो महादेव मेरे सामने बैठा है। जोरदार ताली बजा के एक बार, क्या बात।
तो क्या जय हो। ना चाहिए तेरी दौलत दुनिया और ये कंचन माया, ना चाहिए तेरी ना ये कंचन माया, ना चाहिए तेरी दौलत दुनिया, दौलत दुनिया, दौलत दुनिया, दौलत ओ भगवान भोलेनाथ ने गोपिका का रूप धारण किया तो, और एक बार भगवान श्री हरि विष्णु भगवान शिव की रक्षा के लिए मोहिनी का रूप धारण करते हैं, तो ये अपने आप में विविध रूपों के विविध दर्शन है जी। आखिर में इस दुनिया में भगवान को भी तारा है तो देवी ने तारा है, देवी जो है वो शक्ति जो है वो सबसे बड़ी है, क्योंकि कालिका के रूप में भी शिव भगवान ने तो दे दिया वचन, लेकिन अब उसको कौन रोके रक्त बीज को, तब भी देवी ने भोलेनाथ, लेकिन देवी का जब क्रोध शांत नहीं हुआ तो भोलेनाथ को ही लेटना पड़ा आगे, देवी का पैर भोलेनाथ के सीने पर छाती पर जब पड़ता है तो देवी की क्रोध जो है वो शांत हो जाता है। तो भोलेनाथ यशोदा के द्वारे आकर कहा कि तेरी दौलत दुनिया नहीं चाहिए माँ, मुझे तो गाना दिखा दो। ये सुनते ही माँ यशोदा डर गई, बोले चल हट योगी, इतनी सुंदर सुंदर गोपिकाएं खड़ी रहती है मेरे दरवाजे पर, इतनी सुंदर सुंदर गुजरियां खड़ी रहती है छाछ मक्खन का बहाना बनाकर, और उनको भी काना एक पलक के लिए ना दिखाऊं और तेरे जैसे अगोरी रूप को काना दिखाऊं। बोले जाओ जोगी, कुछ भी नहीं है, भगवान खड़े रहे। अब कन्हैया रोने लग गए अंदर, माँ यशोदा बाबा को भूल गई और अंदर दोगी दौड़ी कि मेरा काना क्यों रो रहा है, काना को गोदी में लिया लेकिन काना तो और जोर से रोने लग गए, प्यार किया, लाड लड़ाया, प्रसन्न करने का खूब सारे प्रयत्न किए, लेकिन काना तो और जोर जोर से रोने लग गए। सुबह से शाम हो गई, बाहर खुशाल गिरी जी खड़े हैं और अंदर माँ यशोदा कना खुशाल भारती जी, खुशाल भारती जी महाराज खड़े हैं। अब वो एक एक मेरे से गड़बड़ हो गई, मेरे एक मित्र ना, ना 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 कोई गड़बड़ नहीं हुई, मेरी प्रॉब्लम यही है कि आधे लोग खुशाल गिरी के नाम से जानते हैं, आधे खुशाल भारती। हम तो खुशाल भारती जी को अच्छा जानते हैं, 18 साल जूना और ये सारा नीरेंद्र नहीं है, अभी चुनी से फंस गया जूना नीरेंद्र में। तो माँ यशोदा चिंता में हो गई मित्रों कि मेरे काना को आखिर हुआ क्या, बेजी को बुलाया, झाड़ागर बुलाए, सब उपाय किए, लेकिन काना तो रोते रोते व्याकुल हो गए। प्रभात से सांझ का वक्त हो गया, माँ यशोदा ने सारे जत्न किए, बड़ी चिंता में होगी कि मेरे कन्हैया को क्या हो गया, लेकिन बाद में मन में आया कि बाहर जो बाबा खड़ा है खुशाल भारती जी, शायद उसका तो कोई कमाल नहीं है। डरते डरते माँ यशोदा कन्हैया को बाहर लेकर आए, और मित्रों जैसे ही कन्हैया की नजर, बाल गोपाल की नजर जैसे ही भोलेनाथ के उस अघोरी उस अवधूत रूप पर पड़ी, भगवान कृष्ण तो वही चाहते थे कि मैं उस बाबा के रूप को देखूं, और ऐसे टुकड़ टुकड़ तक देखने में मग्न हो गए, मानो पूरी दुनिया ही स्तब्ध हो गई हो, मानो ये सृष्टि थम गई हो।
भोलेनाथ स्वयं उस भगवान हरि विष्णु के उस बाल रूप में ऐसे खो गए, एक तरफ जगत के संहार करता है जो शिव है, एक तरफ जगत के पालन करता है जो विष्णु है, दोनों ही अलग अलग रूपों में है और दोनों ही एक दूसरे में ऐसे मग्न हो गए कि सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र सब मौन हो गए, रास्ता भूल गए। दो पंक्तियां प्रस्तुत कर रहा हूं कि क्या हुआ, अपना प्यार नहीं है, आज से अपना प्यार नहीं है, जन्मों का ये नाता है, ये नाता है। तुमसे मिलकर ना जाने क्यों, तुमसे मिलकर ना जाने के सिंगी नाद बजायो, ये सिंगी नाद दिलासा।
करते हैं